पलामू की शहर थाना पुलिस ने एक बार फिर बड़ी सफलता पाई है और साबित किया है कि कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं। कानून को हाथ में लेने वाला क्या कहें, गुनाह करने वाला कितना भी बचने की कोशिश करे लेकिन वो बच नहीं सकता। ये सफलता हाथ तब लगी है जब 2 साल पुराने मर्डर केस का अभियुक्त राहुल चंद्रवंशी पिछले 2 सालों से फरार चल रहा था। उसने अपने ही दोस्त विशाल चंद्रवंशी की उसके ही छत पर जून 2019 में हत्या कर दी थी और उसके शव को कोयल नदी के किनारे ले आकर फेंक दिया था। गौरतलब है कि सबसे खास बात है कि इस पूरे हत्याकांड में 2 बड़े मामले थे जिसको लेकर के मृतक विशाल चंद्रवंशी और अभियुक्त राहुल चंद्रवंशी में ठनी हुई थी। शहर थाना प्रभारी अरुण कुमार मेहता ने बताया कि कहीं ना कहीं दोनों के बीच रंजिश की वजह जहां गैंग वार भी था, वहीं लव का भी मामला, प्रेम प्रसंग का भी मामला तुल पकड़े हुए था। मृतक विशाल चंद्रवंशी ने डब्लू सिंह गिरोह के एक गुर्गे मामा की हत्या की थी। 1 साल पहले हत्या के बाद राहुल चंद्रवंशी के मोटरसाइकिल का विशाल ने उपयोग किया था और उस उपयोग करने की वजह से लगातार मुकदमे को लेकर के और पुलिसिया दबिश राहुल चंद्रवंशी को परेशान कर रही थी, जिसको लेकर के राहुल और विशाल में लगातार ठनी हुई थी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो राहुल चंद्रवंशी की जो पत्नी है वो उसको तंग करने में विशाल चंद्रवंशी लगातार लगा हुआ रहता था, उसका पीछा किया करता था। यही वजह है कि लगातार राहुल और विशाल में विवाद बढ़ता गया और अंततः विशाल की हत्या राहुल चंद्रवंशी ने कर दी, जिसके बाद से वो लगातार छिपने की फिराक में रांची में रहता था और मुर्गे दुकान में काम करता था। इस दौरान राहुल ने लगातार पुलिस से बचने के लिए हर हथकंडे अपनाए लेकिन आखिरकार वो अपने भगने के बर्थडे में शामिल होने आया था। इसके अलावा गुप्त सूचना के आधार पर जो पलामू पुलिस ने कार्रवाई की है इसमें स्पष्ट तौर पर आया है कि कहीं ना कहीं राहुल चंद्रवंशी एक और बड़ा गुनाह करने का प्लान बना रहा था, जिसमें वो अपने मुकदमे के गवाह को भी टारगेट किए हुए था। इस पूरे खुलासे के बाद कहीं ना कहीं पलामू पुलिस पर लगातार जो बातें उठ रही थी कि अन्य कई कांड होते हैं खुलासे नहीं होते हैं, उस पर से कहीं ना कहीं पट्टा छेप किया गया है। शहर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए राहुल चंद्रवंशी को उसके घर से गिरफ्तार किया है और उसे जेल भेज दिया है। देखिए, आज हम लोग एक मर्डर केस के एक्यूज को जेल भेजे हैं, राहुल चंद्रवंशी। आप लोगों को पता होगा 2 साल पहले जून 2019 में विशाल चंद्रवंशी की हत्या हुई थी। विशाल चंद्रवंशी को छत पर सोए हाल में सिर में गोली मार दिया गया था और उसके डेड बॉडी को खींच कर वहाँ से ले जाकर के नदी में, कोयल नदी में बालू से ढक दिया गया था। तो बहुत ही सनसनीखेज केस था, उस समय मेन एक्यूज नहीं पकड़ा गया था, गोली मारने वाला यही था, कंक्लूड होकर आ चुका था ये मामला। उसके बाद से लगातार फरार था तो हम लोग इसको रेकी में लगे हुए थे। इसके बहुत मुश्किल से इसका मोबाइल नंबर मिला क्योंकि परमानेंट छोड़ चुका था शहर को और ट्रैक किए थे, ट्रैक हमारा हिट कर गया टारगेट पर। हम लोगों ने कल रात पकड़ा है इसे।